श्री मूलचंद शर्मा है हमारे साथ, उनसे जानते हैं वो किस तरीके से आज के इस पावन पर्व पर बधाई यहाँ पर दे रहे हैं और इस भव्य नज़ारे को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया, जो कि 400वें प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर के को लेकर के मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी का दिन है, पानीपत में तेग बहादुर के 400 प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है और ऋषि मुनियों का देश है और ऋषि मुनियों के देश में जहाँ गुरुओं का सम्मान इस देश में होता है और तेग बहादुर जी ने एक दुनिया में संदेश दिया था, सारी दुनिया को आने वाली पीढ़ी के लिए जीने का एक रास्ता, अपने कौम को बचाने का। उस समय जिस समय हालात औरंगजेब के समय थे, उस समय उनका मैसेज था, उससे सब कुछ दुनिया को मैसेज दिया है। ऐसे आज महान गुरु जी का हम तेग बहादुर का उत्सव मना रहे हैं, इसके लिए सबको बधाई मेरी तरफ से भी। पार्टी लाइन से अलग हट करके ये पूरा प्रोग्राम था, एक घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है, किस तरीके से इन दोनों बातों ये तो सब पार्टियों सब गुरु सबके हैं, सब पार्टियों के, सब जाति धर्म के, गुरु का कोई बंटवारा नहीं है, गुरु कभी पार्टियों में नहीं बंट सकती, ये सब धर्म सभी लोग हैं, सभी पार्टियों के सभी के लोग हैं और सबने अपनी बात रखी है इसमें। और जो घोषणा की है इस मैदान को गुरु तेग बहादुर के नाम पर करने को लेकर के, यमुनानगर के मेडिकल कॉलेज को नाम देने को लेकर के, क्या मानते हैं आप? मेडिकल कॉलेज की बात करें, दूसरी घोषणा यात्रा की बात करिए, मुख्यमंत्री यानी इस तरह के प्रदेश में होनी चाहिए और प्रदेश में यादगार बननी चाहिए इस तरह गुरु के। तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सीधे तौर पर इस पूरे आयोजन को लेकर के काफ़ी गदगद, जहां तमाम जो लोग यहां पर पहुंचे हैं और एक बड़ी संगत यहां पर पहुंची है उसको लेकर के नज़र आ रहे हैं और इस पूरे आयोजन के अंदर अब पहुंचे हैं, चाहे हम बात करें सत्ता पक्ष के नेताओं के, विपक्ष के नेताओं के, और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का तो यहाँ तक भी कहना था कि पार्टियाँ आज बनी है और प्रकाश पर्व 400वां मनाया जा रहा है, उस वक्त इस प्रकार की कोई पार्टी अस्तित्व में भी नहीं थी। पानीपत से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी।